हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक किम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एमएससी सेकंड सेम इनऑर्गेनिक के थर्ड यूनिट का टॉपिक, जो ऑलमोस्ट अब यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें क्या है, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड विथ बॉन्ड टू हाइड्रोजन। ओके, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड होता है ना, उसके बारे में हम लोग इसका डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, देखो यार, मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ क्योंकि देखो होता क्या है, स्टूडेंट को ना किसी भी कॉन्सेप्ट को इंटरनेट से या फिर बुक से या फिर और अन्य जो भी है सबसे समझ तो आ जाता है, बट ना थ्योरी, मतलब थ्योरी एग्ज़ाम में आपको रिटर्न में लिखना पड़ता है। तो क्या होता है, सभी टॉपिक का आपको डिटेल्स में ऐसे नोट्स नहीं मिल पाते। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ तो मैं जानता हूँ इस सब प्रॉब्लम को। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो हम समझ जाते हैं बट हमको रिटर्न में मटेरियल नहीं मिल पाता। ठीक है, तो मैं आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैंने खुद बनाए हैं। ठीक है, तो वीडियो को यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करते आना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज हम देखते हैं क्या होता है ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड विद हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसके जस्ट बाद में CSIR नेट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है, ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड आर केमिकल कंपाउंड कंटेनिंग अ ट्रांजिशन मेटल बॉन्ड टू हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल से स्टेटमेंट है। देन आता है मैनी ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कंपाउंड विथ हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत से ट्रांजिशन मेटल हैं जो हाइड्रोजन के साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड, मतलब ट्रांजिशन मेटल के साथ हाइड्रोजन का एड होकर एक कॉम्प्लेक्स बनाना। ठीक है, नाम से ही समझ पड़ रहा है, सिंपल है। ठीक है, आप देखेंगे मेटल है तो हाइड्रोजन है तो कोबाल्ट के साथ ये बॉन्ड बना लिया। ठीक है, मेटल और मतलब कि ट्रांजिशन मेटल है और साथ में हाइड्रोजन है। ओके, देन है क्लासेस ऑफ मेटल हाइड्राइड। फर्स्ट है बाइनरी मेटल हाइड्राइड, ओके, टर्नरी मेटल हाइड्राइड, कोऑर्डिनेशन मेटल हाइड्राइड एंड क्लस्टर मेटल हाइड्राइड। ओके, देन है हाइड्राइड कॉम्प्लेक्स। अ फ्यू मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स आर पॉलीहाइड्राइड हैव ओनली मेटल एंड हाइड्रोजन बट आर रेयर। ओके, ये इसका एग्जाम्पल है। देन नेक्स्ट देखते हैं हम, दिस आर इन स्ट्रिकिंग कॉन्स्टेंट विद सेवरल मॉलिक्यूल हाइड्राइड। ओके, एग्जाम्पल एमोनिया है एंड मेथेन है CH4। ओके, देन है देयर आर सेवरल स्पीसीज विद मेटल मेटल बॉन्ड यूजली अदर लिगेंड बेसिस हाइड्रोजन। ओके, देन आता है ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड। इसमें क्या होता है, ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड इज यूजली कंसिडर एज हाइड्रोजन बिकॉज द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन मेटल थुलियम टू हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन ज़्यादा है थुलियम से। ठीक है, देन अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हाउ वेयर इन थुलियम के साथ एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, फ्रैगमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द थुलियम इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ओके, ये सिंपल सिंपल स्टेटमेंट है यार, इसको आप लोग याद करेंगे, याद करके ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम में बेसिकली 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का ये ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड पूछा जाता है। ठीक है, थ्योरी एग्ज़ाम में। देन इफ द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द इस कॉम्प्लेक्स इज ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ओके, देन है हेट्रोलाइटिक स्प्लिटिंग ऑफ थुलियम टू हाइड्रोजन मैक्टी ऑक्योर। ठीक है, थुलियम हाइड्रोजन मैक्टी बिहेव एज द हाइड्रोजन प्लस एंड द मेटल विल बी कॉम्प्लेक्स। ओके, बट वी स्टिल कॉल दिस कॉम्प्लेक्स अ हाइड्राइड विच इम्प्लाइज इट इज हाइड्रोजन वेयर इट बिहेव लाइक अ टाइपिकल हाइड्रोजन प्लस। ओके, देन देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में क्या होता है कि ये कॉम्प्लेक्स है पेंटाकोबाल्ट आयरन का, हम बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये एक हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। हाइड्रेट कॉम्प्लेक्स जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड, मतलब कि जिसमें ट्रांजिशन मेटल भी होगा कॉम्प्लेक्स में और हाइड्रोजन भी होगा उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, एंड जितना बचता है वो इधर आएगा मटेरियल। ठीक है, देन सेकेंड एग्जाम्पल भी एक कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ बेस का रिएक्शन करा रहे हैं फिर हमको एक ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड मिल रहा है। ठीक है, यूज़ अगर देखेंगे हम, यूज़ क्या है मेटल हाइड्राइड का, तो फ्यूल इंडस्ट्री में है। ठीक है,
मेटल फॉर्म एरिया में है, मैन्युफैक्चरिंग इज केमिकल। केमिकल में तो हाइड्रोजन का मतलब मेटल हाइड्राइड का तो यूज़ होता ही है, क्योंकि आप देख लेना जैसे कि कोई भी बेस के ले लो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या फिर बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं अपने केमिस्ट्री लैब में जिसमें पूरा ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड का यूज़ होता है। ठीक है, मेथेनॉल फॉर्म में, प्रिपरेशन ऑफ फूड एंड ड्रग्स में, ओके, देन है प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड प्लास्टिक, ओके। तो ये था आपका एक कंप्लीट नोट्स ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड का एंड ट्रांजिशन मेटल हाइड्राइड विथ हाइड्रोजन, तो ये था, ओके। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, ओके, थैंक यू।